तो प्यारे बच्चों, जैसे आपने पहले पढ़ा था कि जो गोल्ड वार के बाद दो सुपर पावर्स अपने अपने जो अलायंसेस बनाने में जुटी हुई थी, तो इसी तरह से एक जो सुपर पावर थी यूएसए और दूसरी थी यूएसएसआर। तो यूएसए वालों ने भी अपने लिए अलायंसेस बनाए अपने ब्लॉक को स्ट्रांग करने के लिए, इसी तरह यूएसएसआर वालों ने भी अपने ब्लॉक को स्ट्रांग करने के लिए अलायंस बनाए। तो दो आपने यूएसए के जो ब्लॉक, यूएसए ने जो दो अलायंसेस किए थे वो तो आपने पढ़ लिया है। आज हम तीसरा अलायंसेस पढ़ रहे हैं कि यूएसए ने तीसरा जो अलायंस था वो कौन सा बनाया था। तो तीसरा अलायंस जो बनाया था उसका नाम था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम था उसका? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम CENTO, सेंटो से, सेंटो के नाम से भी जानते हैं। तो सेंटो जो था, सेंटो स्टैंड फॉर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी एक मिलिट्री अलायंस ही था। किन का अलायंस था? जे मिडिल ईस्ट कंट्रीज का था। किसका अलायंस था? जे मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने जे अलायंस बनाया था उसका नाम रखा था सेंटो। और जे जो सेंटो जो अलायंस बनाया था, जे बनाया था 24 फरवरी 1955, और जे एंड भी हो गया था। मीन्स 55 को जो बनता है और 1979 को जो इसका जो एंड हो जाता है। और इसके जो मेंबर्स थे, जो सेंटो के जो मेंबर्स थे वो थे, हमारे पास ईरान था, इराक था, टर्की था, पाकिस्तान था, एंड यूएसए था। यूएसए तो था ही था, क्योंकि यूएसए तो सब कंट्रीज का जो अलायंसी जो बनाने में जुटा हुआ था। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसका जो हेड क्वार्टर था वो इराक में था, जिसको हम बगदाद पैक्ट से नाम से भी जानते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसमें से जो इराक ने एग्जिस्ट कर दिया और इसको फिर सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाम से जो मशहूर हुआ। तो इसका मेन एम तो यही था कि जो यूएसएसआर की जो कम्युनिज्म की जो पॉलिसी है उसको रोकना। तो इट्स मेन एम वाज टू स्टॉप एक्सपेंशन ऑफ यूएसएसआर। और ये जो अलायंस जो बना था, ये बेसिकली जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज थी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज की म्यूचुअल सिक्योरिटी सिक्योरिटी की एक ऑर्गेनाइजेशन ही थी, जो कि अमेरिका वालों ने बनाई थी अपने ब्लॉक को स्ट्रांग करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, बस हमको यही याद रखना है कि सेंटो है क्या, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, मिडिल ईस्ट कंट्रीज का एक समूह है, और जिसका जो बना था, जो 1955 में बना, 79 में इसका एंड हो गया। इसकी मेंबर्स कंट्री ईरान, इराक, टर्की, पाकिस्तान, यूएसए थी। इसको बगदाद पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका काम क्या था? यूएसएसआर की जो एक्सपेंशन हो रही थी उसको रोकना था, और जे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उनका जे एक म्यूचुअल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो आज बस यही है कि जो यूएसए वालों ने तीन ब्लॉक्स बनाए थे, एक हमारा था जो नाटो था, नाटो भी आपने पढ़ लिया था, सेंटो भी पढ़ लिया था, एक जो रहता था और वो था सेंटो, जो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो जे आज हम जे जो आज का जो है जो खत्म होता है। थैंक यू।